जेके न्यूज टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। कोरोना वैक्सीन को लेकर आई एक बड़ी खबर, ये खबर उन बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए है जो स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर अभी भी डर उनके अंदर है। तो जो खबर है वो खबर इस तरह से है, 6 से 12 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन की डोजेस दी जाएंगी। जी आपने ठीक सुना, ये जो खबर आई है खबर इस तरह से है, 6 से 12 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन की डोजेस दी जाएगी। DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आज इसे मंगलवार को मंजूरी दे दी है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ इमरजेंसी में ये डिसीजन लिया गया है। देख रहे हैं आप जिस तरह से स्कूलों में बच्चों जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और स्कूलों में जो कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं उसको लेकर एक आज ये डिसीजन लिया गया आज मंगलवार को कि 6 से 12 साल के बच्चों को भारत बायोटेक कोवैक्सीन की जो है डोजेस कोरोना वैक्सीन डोजेस दी जाएगी। यहाँ हम आपको बता दें कि 5 से 12 साल के बच्चों को कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की डोज दी जाएगी और 6 से 12 साल के बच्चों को जो है भारत बायोटेक कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के पास जब ये दोनों कंपनीज अपनी एप्लीकेशंस लेकर गई और उनके जब उन्होंने और सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने जब इनका रिव्यू किया तो DCGI ने इन्हें अप्रूवल दिया दोनों कंपनीज को, कॉर्बेवैक्स को और भारत बायोटेक कोवैक्सीन को। आपने ठीक सुना, 5 से 12 साल के बच्चों को कॉर्बेवैक्स की जो है कोरोना वैक्सीन दी जाएगी और 6 से 12 साल के बच्चों को भारत बायोटेक कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और डर का माहौल जिनके अंदर अभी भी बना हुआ है कोरोना को लेकर, उनके पेरेंट्स के लिए और उन बच्चों के लिए ये बड़ी खबर थी कि 6 से 12 साल के बच्चों को भारत बायोटेक कोवैक्सीन और 5 से 12 साल के बच्चों को कॉर्बेवैक्सीन की जो डोजेज़ हैं वो उसका अप्रूवल मिल चुका है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब निडर होकर हम स्कूल की ओर बढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जेके न्यूज़ टुडे के साथ। धन्यवाद।